स्थापना के साथ साथ बिना प्याला भी प्रज्वलित होती है, एक साथ काम होता है। हाँ। इन तीनों की भूमिका क्या होगी बिना प्याला को संपन्न करने? एक ब्रह्मा है, एक बाप है और फिर बच्चे। बच्चे इंडिविजुअल एक हैं या अनेक हैं? है अनेक बच्चे हैं। अम्मा बाप डबल हैं। वैसे विनाश ज्वाला परिवार में झगड़ा होता है तो झगड़े से विघटन होता है या परिवार बनता है? विघटन होता है, विघटन को ही विनाश कहा जाता है। जैसे संक्षेपकर के लिए बोला विनाश होगा तो कहाँ विनाश हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश हुआ? जो माँ के रूप में बच्चे के रूप में विशेष पात्रधारी थे उनके मते अलग अलग हो गए। बाप तो फिर बाप ही होता है। कृष्ण की आत्मा बच्चा है तो बाप और बच्चा जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं उनमें विघटन शुरू हुआ कि नहीं हुआ? फिर बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे, कोई बेसिक के बच्चे, कोई एडवांस के निकले, कोई कौरव संपदा है, कोई पांडव संप्रदाय। हालांकि माँ बाप के झगड़े के बीच में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए लेकिन बच्चों ने इंटरेस्ट लिया तो झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? आजकल घरों में भी ऐसे ही होता है। जब बच्चे पैदा होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और ज्यादातर बच्चे आखिरी पैदा हो रहे हैं या दिव्य स्वभाव के पैदा हो रहे हैं? आखिरी स्वभाव के बच्चे पैदा हो रहे हैं। आखिरी स्वभाव के जो बच्चे होते हैं वो
वो प्यार ज्यादा पसंद करते हैं या कानून ज्यादा पसंद करते हैं? प्यार ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें माँ से ज्यादा प्यार मिलता है या बाप से ज्यादा प्यार मिलता है? माँ से प्यार ज्यादा मिलता है, तो किसकी तरफदारी लेना शुरू कर देते हैं? माँ की तरफदारी ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, काम बिगड़ जाता है। ऐसे ही यकी में भी हुआ, दो मते हो गए, एडवांस पार्टी और बेसिक पार्टी। जो बाप है वो प्रैक्टिकल है, मैं बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, माँ प्रैक्टिकल में इंडिविजुअली जो पार्ट बजाने वाली थी वो तो शरीर छोड़ गई, फिर भी सूक्ष्म शरीर से तो पार्ट वो आत्मा बजाती ही है। और नजदीक आएंगे तब झगड़ा होगा कि दूर दूर रहेंगे तो झगड़ा होगा? तो वो अधूरा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा नजदीक ही है, बाप से दूर नहीं है, परंतु बात पूरी नहीं बुद्धि में बैठती है कि गीता का भगवान कौन है, ये ही मूल जगह की जड़ है। क्योंकि हरेक आत्मा पहले अपने को महत्व देती है, फिर शरीर को महत्व देती है, फिर और संबंधों को महत्व देती है, तो ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा भी 63 जन्म के संसारों से भरी हुई है भक्ति मार्ग में, कि गीता का भगवान कौन है? कृष्ण। ये बात पक्की बुद्धि में बैठी हुई है, इसलिए जल्दी वो झूठी बात बुद्धि में से निकलती नहीं है। और झूठ और सच की ही लड़ाई है, सत्य बुद्धि में बैठे, और पहले पहले किसकी बुद्धि में बैठे परिवार के बच्चों की बुद्धि में बैठे तो काम चल जाएगा, या पहले माँ बाप की बुद्धि में बैठे? पहले माँ बाप एक हो जाए तब परिवार की इकाई शुरू हो, सत्य की नई दुनिया की शुरुआत हो। और बाप तो पक्का है इस बात में, बाप अकेला वापस नहीं जाएगा, किसको साथ लेकर के जाएगा? बच्चों को, रचना को साथ लेकर के जाएगा। और पहली पहली रचना है ही ब्रह्मा माँ, फिर नंबर वार बच्चे। तो बाप तो सब शक्तिवान है, एक कमजोर हो और एक पावरफुल हो और दोनों में झगड़ा चलता रहे लंबा लंबा, तो आखिरी में फिर जीत किसकी होगी? पावरफुल की जीत हो जाती। तो ये भी संघर्ष है, सत्य को फॉलो करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं। और यज्ञ के आदि से ही ब्रह्मा की गोद में पलने वाले झूठे ढेर के ढेर निकलते रहे, अभी भी निकल रहे हैं, एडवांस पार्टी में भी निकल रहे हैं,
ऐसे नहीं, बेसिक में ही तो जब सच्चाई निकलेगी तो सत्य में ताकत ज्यादा होती है। सत्य के लिए ये गायन है, सच्चाई सर के ऊपर चढ़कर बोलती है। सेवेंटी सिक्स में सत्य बात प्रत्यक्ष हुआ। क्या ब्राह्मण परिवार में मान लिया? और माना भी तो कितने परसेंटेज ने माना होगा? बहुत थोड़ी परसेंटेज थी, अंश मात्र के हैं जिन्होंने माना। और जिन्होंने माना भी वो भी पूरे मानने वाले नहीं निकले, मानने वाले अधूरे थे या परिपक्व थे? कौन थे मानने वाले? वो ही दूसरे धर्म की बीज रूपात्म है जिन्होंने अंश मात्र पहचाना, जिनको कहे नीम अकीमे खतरे जान। हैला साफ डॉक्टर होता है तो बहुतों को मार देगा या जीवन देगा? बहुतों को मार देते हैं। तो पहचानने वाले बहुत थोड़े थे, जो थोड़े थे और परसेंटेज में थे, अधूरे ज्ञानी थे, वो फिर शिवो हम कह के बैठ जाते हैं और वहीं से स्थापना के साथ साथ विनाश की भी शुरुआत हो जाती है। यज्ञ के आदमी भी ऐसे हुआ, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी स्थापना भी होती है और स्थापना के साथ साथ एडवांस पार्टी में विघटन की भी शुरुआत हो जाती है। निमित्त तो कौन बनते हैं? हैं? माँ, बाप और बच्चे। बाबा, तो ये माना के मन के जो प्रत्यक्ष होते हैं तो ये माँ के सहयोग से भी, माँ का भी सहयोग होता है? माँ का जो गायन है और बाप का जो गायन है उसमें अंतर है। बाप असुर संहार ही नहीं गाया हुआ है, कौन गाया हुआ है? माताएं ही असुर संहार नहीं गाई हुई है। तो असुरों का संहार जो करती है वो उनके पद को नीचा दिखाई देती है या ऊंचा दिखाती है? नीचा दिखाई देती है। जैसे कहते हैं कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से असुरों के गले काटे, तो गले काटे माना देह अभिमान को काट दिया या कोई स्थूल गले काटने की बात? देह अभिमान का गला काट दिया, जो समझे बैठे थे हम ऊंचे हैं, हम बड़े हैं, हमसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो देह अभिमान का गला कट जाता है। ऐसे ही ये असुर संघारणी शक्तियां हैं जो ऐसा वंडरफुल पार्ट बजाती हैं कि असुरों के गले कट जाते हैं, माने
उनका पद नीचा नीचा साबित हो जाता है। और माला तैयार होने के लिए ये जरूरी है या नहीं है? नहीं तो सब कहेंगे हमारा नंबर ऊंचा। हमारा नंबर ऊंचा अगर सब कहने लगे तो माला बनेगी? माला तो तभी ही बनेगी जब नंबरवार मणके प्रत्यक्ष हो जाए। नीचे का मणका ऊपर वाले मणके को उसी दृष्टि से देखेगी ये ऊंचा है। इसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पुरुषार्थ हमने नहीं किया। इसने जैसी दृढ़ता दिखाई वैसा दृढ़ता हमने नहीं दिखाई। हम हिल गए और ये अपनी जगह पे हिला नहीं। तो माला बनाने में बाप के लिए तो भक्ति मार्ग में चित्रों में दिखाया ही जाता है कि बाहों में भी माला है, गले में भी माला है और सर पर भी माला है। ऐसे नहीं है कि बाप ही माला बनाता है, सबसे बड़ा कार्य बाप करता है। नहीं, माला बनाने में असुर संघारी शक्तियां विशेष सहयोगी बनती है। दुनिया में असुरों की संख्या ज्यादा है या सुरों की संख्या ज्यादा है? असुरों की संख्या ज्यादा है। और माला देवताओं की बनेगी या असुरों की बनेगी? इसका मतलब है जितने भी आसुरी बुद्धि आत्माएं हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़ी बैठी है हमारे अहंकार के, उन सबको नीचे आना। नीचे आएंगे तो माला से नीचे। बाबा, मुरली ने बोला था कि यदि सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो बाबा बारात में जरूर लेकर जाएंगे। तो बाबा यहाँ सृष्टि चक्र ये क्यों बोला और कोई चित्र क्यों नहीं बोला? क्योंकि आत्मा ऊपर जाएगी तो जो ऊंची स्टेज में आत्मा की गति होगी जाने की, ऊंची ऊंची उड़ेगी, वो मनन चिंतन मंथन से ही ऊंची उड़ेगी, ज्ञान का मंथन करने से ही ऊंची उड़ेगी, या पांच तत्वों से बनी हुई मिट्टी की देह और देह के संबंधियों की याद करने से ऊंची उड़ेगी? मनन चिंतन मंथन से ही ऊंची उड़ेगी। और जो ज्ञान का मनन चिंतन है वो 84 जन्मों से कनेक्टेड है। जो आत्मा जितने जाति जन्म लेने वाली होगी, जितना लंबा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली होगी, उसका उतना ही ज्यादा मनन चिंतन मंथन चलेगा। दूसरे शब्द में उसका सबसे जाति बड़ा चक्र उसी का घूमेगा। कौन सा चक्र? स्वदर्शन चक्र। और ये सुदर्शन चक्र जिसका जाकर घूमेगा वो आत्मा दुनिया की विशाल बुद्धि आत्मा गिनी जाएगी, या जो दल बुद्धि रहेंगे वो श्रेष्ठ आत्मा गिनी जाएगी। दुनिया का परिवर्तन कौन करेंगे? विशाल बुद्धि करेंगे। ऐसे परिवर्तन करने वाला बाप ही है, लेकिन बाप खुद नहीं करता कुछ भी, वो तो अकर्ता है, वो आकर के रास्ता बताता है कि ये तुम्हारी आत्मा का 84 जन्मों का चक्र है। इसकी गहराई में जितना जावेंगे
उतना तुम्हारे चौरासी गंगा कले खुलते जाएंगे। और इस बात में जो सबसे आगे जाएगा वो नंबर ले जाएगा। इसलिए षष्ठी चक्र को ही महत्व ज्यादा दिया गया है और दूसरे चित्रों को उतना महत्व नहीं दिया गया। बिल्कुल बारात तो लंबी चौड़ी है, बारात में कोई का परिवार बहुत बड़ा हो उनका छोटा परिवार होता है, कोई का बड़ा परिवार होता है। तो बड़ा परिवार जिसका होता है उसके संबंधी भी बहुत विस्तार में होंगे। तो बेहद का बाप है तो उसका परिवार भी बेहद का है और उसके संबंधी भी बेहद के। जो भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं हैं वो भी बारात में शामिल हो जाती है। और देव आत्माएं भूत प्रेत बनती हैं या पाप कर्म करने वाले भूत प्रेत बनते हैं? जो पाप आत्माएं हैं ज्यादा पाप करते हैं जिनका सुदर्शन चक्र घूमता ही नहीं है आसन मंदिर में वो ज्यादा पाप करते हैं। ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं वो पाप कम करते हैं। कहते भी हैं कोई काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, विचार लेना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। अब सोचने विचारने की शक्ति ही ना हो, प्रैक्टिस ही ना हो तो सोच विचार करेगा करेगा ही। तो उन भूत प्रेत आत्माओं का स्वदर्शन चक्र नहीं घूमता उतना। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत द्वापर युग से बनते हैं या सत्युग त्रेता में बनते हैं? सत्युग त्रेता में तो 10 करोड़ आत्माएं होंगी, वो साफ देव आत्माएं हैं, वो वहां पाप करती ही नहीं। भूत प्रेत बनने का सवाल ही नहीं। तो जो बारात जाएगी तो उसमें 500-700 करोड़ सब जाएंगे या थोड़े जाएंगे? सारे ही जाएंगे। एक मिनट, बेसिक में भी जा रहे हैं है? तो बांस जो सेवा मिलती है तो कैसे रह जा है? जो बांस सेवा में लगती है वो कैसे रह जा जाती है? बेसिक में जो सेवा मिलती है वो सेवा करें या ना करें? हाँ। बेसिक में सेवा कराने वाला मुखिया कौन है और एडवांस में सेवा कराने वाला मुखिया कौन है? एडवांस में तो डायरेक्टर। बेसिक में सेवा कराने वाला बड़े से बड़ा कौन आत्मा है? क्रिश्चियन धर्म का आधार मूल है? और ब्रह्मा वाली आत्मा नहीं कराती है तो फिर रचना को क्यों उठा लिया? मुख्य तो पहले ब्रह्मा है ना। जो चंद्रवंश का हेड है चंद्रमा वो मुख्य है ना। और एडवांस पार्टी डायरेक्ट ज्ञान सूर्य है। तो सेवा में भी अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा? जीवन सफल होगी। कितने जीवन सफल होगी? एडवांस में। जो सूर्य और सूर्यवंशी बच्चे हैं वो तो सोझरी प्रकृति के होंगे,
आंखें खुली हुई होंगी या बंद होंगी? खुली हुई आंखों से सेवा करेंगे। किसके डायरेक्शन पर चलना चाहिए और किसके डायरेक्शन पर नहीं चलना चाहिए? नहीं तो दुनिया में भी ऐसे ही कहते हैं, कर्म ही पूजा है। बड़े बड़े ऑफिसरों के सामने जाके बात करो तो कहेंगे कर्म करना ही पूजा है, कर्म ही बड़ी पूजा है। फिर उनसे धीरे से प्रश्न कोई कर दे कि गधे का कर्म करना पूजा है? गधा कर्म नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? करता है, करता है। लेकिन कितने अंतर में करता है? धोबी या कुमार के डंडे के अंदर में कर्म करता है। तो जैसी धोबी या कुम्हार की बुद्धि होगी ऐसा ही तो कर्म करेगा। और यहाँ तो कर्म कराने वाला ऊंचे ऊंचे एक भगवान है, यह नंबरवार कोई आत्मा है, ऊंचे ऊंचे भगवान। सेवा में भी अंतर जरूर पड़ता है। और हाँ जी, माया जी कर्म प्रकृति जी कर्म इंद्रिय जी, इसको याद करना है। माया माने पांच विकार, पांच विकारों को जीता माने माया जी। काम विकार की बात संकल्प में ना आए, वाचा में ना आए, कर्मेंद्रियों में भी ना आए। तो कहेंगे काम जी, क्योंकि सब विकारों का मुहिया कौन है? काम विकार। इसलिए शंकर जी को दिखाते हैं, उन्होंने एक को ही भस्म कर दिया, इसको काम नहीं, वो भस्म कर दिया। तो जगतजीत कहलाए, भक्ति मार्ग में भी गए काम जीते जगतजीत। इसी तरह माया जीते जगतजीत, बात एक ही है। चाहे माया को जीतो और चाहे काम को जीतो। फिर कहते हैं इंद्रिय जीते जगतजीत। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय मुख्य है। अगर उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो जगजीत बनेगा ही बनेगा। ये तो हुआ माया जी। फिर है प्रकृति जीत। क्या प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये हमारे कोई काम में विघ्न रूप बन करके हमको रोक न सके। क्या पृथ्वी है भूकंप लाती है, जब भूकंप आता है तो आदमियों के काम रुक जाते हैं ना, हैं? रुक जाते हैं। मान लो कोई याद में बैठा हुआ है और भूकंप आया तो याद उखड़ जाएगी या ठहर जाएगी? मोस्टली तो यही कहेंगे कि याद उखड़ जाएगी। लेकिन जिसकी प्रैक्टिस पक्की होगी और जिसको पक्का निश्चय है इस दुनिया का विनाश आज नहीं तो कल होना ही होना है, और दुनिया का सबसे बड़ा विनाश जो होता है वो भूकंप से ही होता है, पक्का बुद्धि में बैठा होगा तो भले भूदोल आता जाए उसकी बुद्धि में ये निश्चय पक्का रहेगा कि दुनिया का भले विनाश हो लेकिन हम बाप के बच्चे हैं,
हमों का हमारा विनाश नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा बहुत देखा गया है कि भूकंप आते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, जब मलबा हटाया जाता है तो कोई कोई बिल्कुल साफ जिंदा निकल आते हैं, उनके शरीर को कोई जोखिम नहीं होता। जब सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में भी ऐसा होता रहा तो जब महाकाल का टाइम है, इस टाइम के लिए मुसलमानों के कुरान में भी लिखा हुआ है कि कयामत के समय में भगवान के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो ये प्रकृति का जो मुख्य तत्व है पृथ्वी, समझो उसके ऊपर जीत पाई या नहीं पाई, कहेंगे जीत पाई। ऐसे ही जल, कोई हवाई जहाज पर जा रहा है और इंजन खराब हो गया और छतरियां लेकर के नीचे डाल दिया, या जो भी साधन है छोटा मोटा समंदर में कूद पड़े, जिनकी बुद्धि में निश्चय होगा, निश्चय बुद्धि विजय से होंगे, वो जल तत्व भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। वो जीत पालेंगे। कभी ऐसा हुआ है, कभी एक एरोप्लेन खराब हो गया था, बर्ड हिट हो गई थी, वो सब के सब वो उसने पानी की तरफ मोड़ दिया, वहीं पे लैंडिंग कर गया वो। हाँ जी, सब के सब जितने यात्री थे सब बच गए। तो अपने अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बने ना, जो है अच्छे कर्म किए हैं उनको प्रकृति के पांच तत्व भी स्वच्छ करते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है वो माता तो है, और प्रकृति ऐसी माता है जो माया से भी ज्यादा पावरफुल है। क्या लक्ष्मी से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए भगवान को कहते हैं लक्ष्मीपति, भगवान को कहते हैं मायापति, और भगवान को कहते हैं प्रकृतिपति। माया का भी पति है, प्रकृति का भी पति है, लेकिन बच्चों के सामने माया विकराल रूप में आती है अभी, और जब दुनिया का विनाश होगा तब तब माया भूल जाएगी। क्या न काम विकार अटैक करेगा उतना, न क्रोध अटैक करेगा, न लोभ आएगा, अपनी जान के ऊपर आफत पड़ेगी तो काम क्रोध कहां से आएगा। उस समय प्रकृति का जो रूप है वो विकराल रूप होगा, महातामसी रूप होगा, लेकिन जो बाप के बच्चे होंगे वो पांच तत्वों से सुरक्षित रहेंगे। बाबा, मुरली ने बोलते हैं कि जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो कोई दुख अनुभव नहीं होंगे। क्यों? दुखों का जो 63 जन्मों का हिसाब किताब है कर्मों का, बुरे कर्म किए हैं तो दुख भोगना पड़ता है कि नहीं? अच्छे कर्म किए हैं तो सुख मिलता ही मिलता है। बुरे कर्म किए हैं तो कितनी भी पुरुषार्थ करो अच्छी याद आती नहीं है, और अच्छे कर्म उदय होते हैं तो ऑटोमेटिक न चाहते हुए भी पुरुषार्थ अच्छा होता है। तो पूर्व जन्मों के जिसके
कर्मों का खाका खलास हो चुका है, कर्मों से अतीत तो हो चुका है। बाबा की याद में कर्मों से अतीत होने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आखिरी ऐसी स्टेज आवेगी या नहीं आवेगी कि 63 जन्मों का खाता कर्मों का खलास होगा, तो कर्मातीत अवस्था बनेगी। तो क्यों नहीं हुआ? तो बाबा आज की मुनि ने बोला था कि कर्मातीत अवस्था तब बनेगी जब ज्ञान बुद्धि में पूरा पूरा बैठ जाएगा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हा? तो बाबा पढ़ाई तो 18 में पूरी होगी। अच्छा तो बाबा एक मुरली ने ये भी बोला था कि 18 और 36 के बीच में तो दुखों के पहाड़ टूटेंगे। 18 और 36 के बीच में दुखों के पहाड़ किसके ऊपर टूटेंगे? जो कर्मातीत नहीं बने हुए होंगे उनके ऊपर टूटेंगे, या जो कर्मातीत बनते जाएंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार उनके ऊपर दुखों के पहाड़ टूटेंगे? किसके ऊपर टूटेंगे? जो कर्मातीत नहीं बने होंगे उनके ऊपर दुखों के पहाड़ टूटेंगे, क्योंकि बाबा को याद ही नहीं किया। और याद उनको ही ज्यादा आवेगी जिन्होंने बाबा की सेवा ज्यादा की होगी, क्योंकि बाप का विरुद्ध है। जो बच्चे मेरी ज्यादा सेवा करते हैं मैं उनको याद करता हूँ। बच्चे अपनी ताकत से बाप को याद करते हैं, बच्चों के ऊपर तो 63 जन्मों का बोझ है, तो कम याद कर पाएंगे या ज्यादा याद कर पाएंगे? कम ही याद हो पाती है अपनी ताकत से। लेकिन बाप का विरुद्ध यह है कि जो बच्चे मेरी सेवा करते हैं, ईश्वरी सेवा में लगे रहते हैं, उन बच्चों को मैं याद करता हूँ। जो सुप्रीम सोल जिसके ऊपर कोई पापों का बोझ नहीं है, वो जिन बच्चों को याद करेगा उनकी याद अच्छी आएगी या कमजोर होगी? अच्छी याद आएगी। तो कर्मातीत अवस्था उनकी जल्दी पहले बनेगी ना। जो ईश्वरी सेवा में सहयोगी नहीं बने हैं या ईश्वर को नहीं पहचाना है तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी। कर्मातीत अवस्था ही नहीं बनेगी तो दुखों के पार गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? मामा हाँ, ये जो मुझे बोला गया है कि जितने भी जो बिजनेस है जितने भी व्यापार है सारे ठप पड़ जाएंगे। अभी नहीं देख रहे, अभी चल रही चलता ही पड़ेगा। अभी उल्टी आ जैसे अभी स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को घाटे पड़ रहे हैं, एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं। दुनिया में धोखेबाजों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? झूठे लोगों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। महाभारत आज से 2500 साल पहले लिखा गया था और उसमें ये दिखा दिया कि जो शकुनी जैसे हैं, वो जो जुआ खेलते हैं, वो सच्चा खेलते हैं या झूठा खेलते हैं? ये स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, इसमें भी कोई चलाने वाले बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? हैं? बैठे हैं तो घपला करते रहते हैं, अपना बैलेंस बढ़ा लेते हैं और पब्लिक का सत्यानाश करा देते हैं। पब्लिक बेचारी समझती नहीं। बाबा सेवेंटी सिक्स में बाप का प्रत्यक्षता हुआ और प्रत्यक्षता होने के बाद जिस आत्मा को 10 वर्ष या 20 वर्ष के बाद बाप का पहचान हुआ, क्या वो उसकी पढ़ाई कैसी थी? जो आत्मा 20 वर्ष के बाद नहीं, 76 के बाद 10 या 20 40 साल के बाद आएगी एडवांस में, क्या तो 10-20 वर्ष की बात कर रहे हैं? जो आत्मा 76 में बाप के प्रत्यक्ष होने के बाद 40 साल के बाद ज्ञान में आएगी एडवांस में, वो भी लास्ट तो फास्ट जा सकती है। उसका कारण क्या होगा? 63 जन्मों का जो कर्मों का हिसाब किताब है उसका 3 होगा। जैसे लक्ष्मी लास्ट में आवेगी
या बीच में आवेगी? लास्ट में आवेगी। और लास्ट में आने के बावजूद भी फास्ट जावेगी। एम ऑब्जेक्ट पूरा करेगी या अधूरा ले लेगी? एम ऑब्जेक्ट पूरा करेगी। आदि में जगदम्बा के अंदर सुप्रीम सोल ने प्रवेश करके भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला था। सुनने सुनाने को कहते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग जो आदि सो अंत है, अंत में सुप्रीम सोल जगदम्बा के अंदर प्रवेश करके क्या करेगा? किसी करेगा या नहीं करेगा? क्या करेगा? नहीं, आदि के अंत में सुप्रीम सोल जगदम्बा के अंदर प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा तो क्या करेगा? सिर्फ जगदम्बा के अंदर ही थोड़े ही प्रवेश करता है सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल तो 108 आत्माओं के अंदर ही प्रवेश करता है। रुद्रमाला के कितने मणके हैं? 108। सभी 108 मणकों में प्रवेश होता है, लेकिन एक मणका ऐसा है जो मुकर्रर है और बाकी कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर प्रवेश है या नहीं प्रवेश है। इसलिए कहते हैं, कोई बच्चे कहते हैं कि मेरे अंदर मम्मा आई, मेरे अंदर बाबा आया। आज मम्मा बाबा आया है, कल कुत्ता बिल्ला भी आ जाने। क्योंकि एक ही मन का ऐसा है जो एक मुख वाला है, एक मुख की बात करता है, एक बात करता है, और बाकी में तो दूसरी दूसरी आत्माएं प्रवेश करके कंट्रोल कर लेती है और कंट्रोल करके अपनी बात सुनाती है। तो दो मुख की बात हो गई या एक मुख की बात हो गई? दो मुख की बात हो गई। तो बाबा, जैसे जब जैसे सुप्रीम सोल जैसे बड़ी मम्मी के अंदर प्रवेश न करे तो जगदम्बा बन नहीं सकती। जैसे प्रजापिता के अंदर जब सुप्रीम सोल जब प्रवेश किया तब वो प्रजापिता को बना। बोलो। तो बाबा, हर एक चीज का जैसे जैसे कोई रुद्रमाला का मणका जब तक सुप्रीम सोल न प्रवेश करे और उसमें प्रवेश करके दृष्टि की पावर न दे, वाचा की पावर न दे, वाइब्रेशन की पावर न दे, पावर दे करके सेवा न करे, तब तक वो रुद्रमाला का मणका ही साबित नहीं हो सकता। अकेले जगदम्बा की बात नहीं है। और गरीब की आवाज सुनता है, साहूकार है उनकी आवाज नहीं सुनता है, झूठे हैं, झूठी आवाज मारता है। बाबा, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद दोबारा जीवन आ गया, कुछ है मृत्यु के बाद दोबारा आदमी जिंदा हो गया दोबारा, तो क्या वो कहते हैं ऊपर गया कुछ देखा रंगा, वो क्या सही है या उनकी कल्पना? स्वप्न में आदमी ऊपर नहीं जाता है, देखता नहीं है क्या? देखता है या नहीं देखता है? तो जब सपने में ही देखता है बहुत कुछ, तो मृत्यु के समय आत्मा जो है पूरी निकल नहीं पाती है, कहीं न कहीं अटक जाती है, इसलिए ऐसा समझते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि मृत्यु होने के बाद फिर कोई जिंदा हो सकता है। कोमा में चले जाते हैं? हाँ, कोमा में चले जाएं, वो भी एक ही बात। और बाबा, कैसे मैं बोला 16,108 3 लाख में आने से 9 लाख में आए? बिल्कुल। कैसे बाबा, 9 लाख 16,108 3 लाख के 9 लाख में प्रजावन की आत्माएं होंगी ना? 9 लाख में ये नहीं कहा 9 लाख में आए, ये कहा साहूकार बने प्रजा, प्रजावर्ग में आए माने साहूकार प्रजा बन जाए, वो अच्छा। साहूकार प्रजा बन जाए, साहूकार जो बड़े बड़े होते हैं उनको भी ढेरों दास दासियां होते हैं घर में,
होते हैं या नहीं? जैसे राज परिवार में राजाओं के ढेर सारे दास दासियां होते हैं, और बड़े बड़े साहूकार ऐसे ऐसे होते हैं जो राजाओं को भी सहयोग दे देते हैं, जैसे महाराणा प्रताप को जब हार गए थे, जंगलों में खाक छानते फिर रहे थे, तो साहूकार ने आकर के उनको सहयोग दे दिया। तो उनकी नजर में तो वो साहूकार ऊंचा साबित हुआ या नीचा साबित हुआ? ऊंचा साबित हुआ। तो 16,000 में आए और 16,000 में वो ही आते हैं जो सरेंडर होते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के ईश्वरीय सेवा करने के लिए सरेंडर होते हैं। होते तो हैं सरेंडर दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन क्या सब ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं? सेवा ही करते हैं या डिसर्विस भी करते हैं? डिसर्विस भी करते हैं। तो जो डिसर्विस करेंगे ईश्वर का बन करके, ईश्वर के परिवार में पल करके, वो दास दासी बनेंगे या राजा रानी बनेंगे? हाँ, सरेंडर हुए हैं तो राज परिवार में एक जन्म कम से कम जरूर आ गई, भले लास्ट में आ गए। क्या जैसे त्रेता के अंत में तीन कटी हुई सीढ़ियां दिखाई है, वो तीन जन्म है ना लास्ट वाले, उनमें कोई तो राजाएं बनेंगे, खंडित जन्मों के भी कोई राजाएं बनेंगे या नहीं बनेंगे? राजाएं तो कोई बनेंगे। वो राजा बनने वाली आत्माएं अंतिम जन्म में उनको कोट पतलून मिलेगी, और बाकी ऊपर के जन्मों में दस दस ही बनते हैं। जैसे सबसे ऊंची से ऊंचा जन्म कब होता है? पुरुषोत्तम संगम युग, जिसे स्वर्णिम युग कहा जाता है, 21 जन्मों में से पहला जन्म। उस पहले जन्म की यादगार राम की राजगद्दी दिखाई जाती है। उस राजगद्दी में राम तो राजा बनकर के बैठे हैं, और बाकी तीन और हैं जो दास दासी बन के दिखाए गए। वो दासत्व कर्म उनको क्यों दिखाया गया? क्या कर्म किया है सर? यही कर्म किया कि वो तीन विधर्मियों के बीज तो हैं, बाप को अंश मात्र पहचानते तो हैं, लेकिन एक बार पहचानने के बाद आज से लेकर के अंत तक विरोधी बन करके रहते हैं। इस सर्विस करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे। क्या उनके अंदर कोई जैसे आत्मा प्रवेश कर जाती है क्या? है? वो तो भूतों के भूत है, उसमें क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आधारभूत आत्माएं हैं, जैसे कि सुक्ष्म भाव है, ब्रह्मा बाबा ने अपने यज्ञ का सारा कारोबार किस भाई के ऊपर सौंपा हुआ था? और कौन ऐसा भाई था जिसको जिसके ऊपर बाबा को सबसे ज्यादा विश्वास था? विश्वेश्वर भाव। तो विश्वेश्वर भाव की बुद्धि में ये बैठेगा या नहीं बैठेगा कि ब्रह्मा बाबा के अगले जन्म में सबसे पहले नंबर वारसदार मैं बनूंगा? ऐसे ही कुमारका दादी के लिए बोला, इन सभी सितारों में सबसे ज्यादा खातिरी होती है कुमारका। मम्मा की नहीं कहा, कुमारका की सबसे ज्यादा खातिरी होती है। और ब्रह्मा बाबा ने जब मम्मा का शरीर छूट गया तो तमंगा किसके ऊपर रख दिया? कुमारका दादी के ऊपर। और वो बोलती भी थी कि यहां भी मैं संभाल रही हूं
और वहां भी मैं ही वारसदार बनूंगी। तो संस्कार पक्के हो गए कि नहीं? इसमें बाबा अवार्ड था है, उसके अंदर ब्रह्मा बाबा के लड़की का लड़का बनने का वार्ड था ये? हाँ। तो वो जैसे संगम पर प्ले कर लिया है, इसके अंदर पहले से ही आवाज भरा था। हाँ जी, जैसे संगम पर प्ले हो गया। हाँ जी, हाँ जी। बाबा जो बाहर की हद की दुनिया के सन्यासी होते हैं वो बोलते हैं कि स्वर्ग का भिष्टा समान है, है? वो बोलते हैं कि स्वर्ग का भिष्टा समान है। स्वर्ग के सुख का भिष्टा समान है। तो बाबा ये ब्राह्मणों की दुनिया में ही होती होगी इसकी शूटिंग भी? बिल्कुल होती है। तो कैसे होती है? अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी है वो कौन है? जो घरघाट छोड़ करके आश्रम में रहते हैं, कोई घरग्रस्त नहीं बना के रहते हैं, बना के रहते हैं। कौन है वो? कौन सन्यासी है वो? ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी। अरे कौन है वो? बेटी वाले उसमें भी खास सरेंडर्ड लोग, मेहलवानियां अटारियां बनाए बैठे हैं। जैसे सन्यासी दूसरों की संपत्ति हड़प करते हैं और मेहलवानियां अटारियां मठपंथ बनाए लेते हैं, ऐसे बना के बैठे हुए। खुद भगवान को नहीं जानते लेकिन दूसरों को भगवान का परिचय देते हैं। बाबा यहाँ का अमीर चंद भाई है, जोनल इंचार्ज है। जब मैं एडवांस निकला था तो मेरे को समझा रहा था और मेरे से बात करते हुए अंदर से कांप रहा था। पावरफुल आत्मा हो। संपूर्ण समर्पण उसको कहेंगे जो बाबा की श्रीमत है, उस श्रीमत के बर खिलाफ एक संकल्प मात्र भी न जानेंगे। वाचा विरोधी में जाए, कर्मेंद्रियां विरोध में जाए, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन जो श्रीमत बोलती है, श्रीमत कहती है, श्रीमत के बरखिलाफ एक संकल्प मात्र भी न चलाए, वो है संपूर्ण समर्पण। संकल्प मात्र से भी सरेंडर बुद्धि, उसे कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मन में समा जा अर्थात मन के संकल्पों में तिरोहित कर दे। एक संकल्प मात्र भी बाप के संकल्प के अलावा न कर सके। वाचा से विरोधी हो जाए, कर्मों में विरोधी हो जाए, वो तो बात ही बहुत दूर की हो गई। बाबा आज बुद्धि में आया था कि 40-40 साल में पढ़ाई पूरी हो जाती है, पढ़ाई पूरी होने का क्या अर्थ है? पूरी होने का मतलब ये है कि सेवा ही सेवा रह जाएगी उस आत्मा के लिए जिसकी पढ़ाई पूरी होगी। वो दूसरों को पढ़ाएगा या खुद पढ़ने में लगा रहेगा? खुद मनन चिंतन मंथन खुद के लिए करने में टाइम लगाएगा या दूसरों के लिए टाइम देगा? है? जो कुछ संपन्न हो गया उसका कुछ काम ही नहीं रह जाता। जैसे गीता में लिखा हुआ न मुझे कुछ करने योग्य है न मैं कुछ करता हूँ, मेरे लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है, मैं कुछ करूँ या न करूँ। उनकी निराकार स्टेज बन जाएगी है? उनकी निराकार स्टेज बन जाएगी। निराकारी स्टेज का मतलब ही है कि करने योग्य कुछ भी रह नहीं गया। बाबा जो अष्टदेव होते हैं
उनमें बुद्धि ज्यादा होती है या भावना? बाप के बच्चे जो भी होंगे, बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है या भावना वालों की भावना है? वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, परंतु वो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप भी कोई साकार तन में आता है। जिस साकार तन में आता है वो दिलवाड़ा बाप कहा जाता है। सुप्रीम सोल बाप को दिल नहीं है, दिल कहो मन कहो नहीं है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें दिल है और मन है या नहीं है? है। इसलिए दोनों का मेल हो जाता है, माँ और बाप। इसलिए माँ भावना वाली होती है या बाप भावना वाला होता है? ये नियम बना हुआ है, माँ में भक्ति भाव व्याप्ति होता है। इसलिए मुरली में बोला है तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, माने जो भी माताएं हैं वो सब भक्ति भाव वाली। बिना भक्ति के, बिना भावना के कोई काम संपन्न नहीं होता है, लेकिन भावना श्रेष्ठ चाहिए। भक्ति खराब चीज नहीं है। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है या नहीं? ऐसे नहीं ज्ञान ही श्रेष्ठ है और ज्ञान सदैव तत्व प्रधान रहता है, नहीं, ज्ञान भी सतो रजो तमो से पसार होता है। ऐसे ही भक्ति भी कभी सतो प्रधान थी, अविचारी भक्ति थी। जो अविचारी भक्त थे ये क्या नाम द्वापर के आदि के, वो ही अविचारी भक्त बाप को पहले पहचानते हैं और आज से अंत तक प्रयोगी बन करके रहते हैं। काम को देशों में से है, काम को देश बोलते हैं। शिव सुप्रीम सोल किसी को कुछ देता है, सुख या दुख या कोई भी चीज? शिव सुप्रीम सोल किसी को कुछ देकर जाता है? अरे देता है कि नहीं देता है? देता है, सबको बराबर बराबर देता है, देता है वो। अरे तो पक्षपाती हो गया, किसी को कम देता है किसी को ज्यादा देता है। माना सुप्रीम सोल किसी को कुछ नहीं देता, वो सिर्फ रास्ता बताता है, न सुख देता है और न दुख देता है, न कोई चीज देता है। तो सबकी बुद्धि खोल ले, अरे याद तो तब करेगा जब उसको पहचानेगा। हाँ, तो सुप्रीम सोल बाप सिवाय पहचान के और कुछ भी देता नहीं है, वो न दुखदाता है न सुखदाता है। लेकिन जो देने वाली बात है, उस देने वाली बात में सुख देने वाला गाया जाता है या दुख देने वाला गाया जाता है? सुख देने वाला गाया जाता है। सुख देने वाले हैं असुर, ढेर की ढेर तादाद वाले, और सुख देने वाले हैं देवताएं। तो जिन्हें देव कहते हैं वो सुख देते हैं। क्या
भगवान सुख दुख नहीं देता है, लेकिन पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो दूसरों को देने के स्वभाव वाली हैं। संगम युग में भी उनके अंदर ये भाव रहता है कि हम दें, जो कुछ भी हमें मिला है वो हम दूसरों को देते रहें, लेने की इच्छा न करें, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है। जितना हम इतने हैं देंगे उतना जन्म जन्मांतर हमें मिलेगा जरूर, जितना सहयोग देंगे उतना सहयोग मिलेगा जरूर, जितनी दूसरों को सहानुभूति देंगे उतनी सहानुभूति मिलेगी जरूर। तो देने की बुद्धि में रहता है, लेने की बुद्धि में नहीं रहता। ऐसी आत्माएं जिनकी बुद्धि में देना ही देना है, लेने की बात नहीं है, देना बैंक है। तो वो देव कहे जाते हैं। बाबा कलकत्ता वाले काली देवी की बहुत पूजा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कलकत्ते वालों को ज्यादा दिया होगा है? अच्छा, सबसे ज्यादा दुनिया में बड़े से बड़ा वैश्यालय कहाँ चला है? हिस्ट्री में कलकत्ते का वैश्यालय गाया हुआ है। तो जहाँ के लोग सबसे ज्यादा विचारी है, वैश्यालय में बैठने वाले बैठाने वाले हैं, उनका कल्याण कौन करेगा? शिव बाबा सूर्यवंशी बनाने आता है या और वंशी बनाने आता है? वो तो सूर्यवंशी बनाने आता है। सूर्यवंशी में विचार होता है क्या? उसका कल्याण महाकाली करेगी। हाँ, आपकी दुनिया के विचार ही हुए, बहुत जिन में विचार फैला, उनका कल्याण महाकाली करते। और उसका मंदिर भी बाबा वही बना जो है, और कहीं इतना बड़ा मंदिर नहीं है जितना मंदिर वहाँ गाया हुआ है।